तो सामंथा, मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। हाँ, यह कोला है। वाओ, मुझे कोला पसंद है। बोतल के खुलते ही मैं तुरंत सारी सामग्री पी लेती हूँ। ओ ओ, ऐसा लगता है कि गैस भी तुरंत फ्री होना चाह रही है। ओ, उफ, मुझे माफ करना। उफ, जेन, बेहतर होगा कि अब तुम देखो कि तुम्हारे पास किस तरह का डिश है। हाँ सामंथा, मैं देखती हूँ। वाओ, यह गोल्डन कोला है। मैंने कभी यह नहीं पिया है। यह और भी स्वादिष्ट होगा। हाँ सच में यह स्वादिष्ट है, और साथ ही मेरी जीभ भी अब सुनहरी हो गई है। मैं जल्दी से सारा पी लूंगी। ओ, गोल्डन कोला से भी बॉब्स आता है। सामंथा, मुझे आशा है कि तुम गुस्सा नहीं होगी। तुम क्या कह रही हो, सब ठीक है लगभग। यह मजेदार था। इस बार हम रॉक पेपर सीजर से तय करेंगे कि पहले कौन खोलेगा। तैयार, 1 2 3। अरे नहीं, लगता मैं हार गई। ओ वाह, सोने के साथ नूडल्स। वाह, सोना ग्रेट करना है। वाह, उस स्प्रिंकल ने नूडल्स को और भी सुनहरा बना दिया है। मैं इसे अभी ट्राई कर रही हूँ। स्वादिष्ट लग रहा है। यम। ओह, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट सुनहरा नूडल्स। अरे झांकना बंद करो जेन, बेहतर होगा कि अपने डिश को देखो। मुझे उम्मीद है मेरा खाना भी उतना ही अच्छा होगा। क्या इंस्टेंट नूडल्स? बैड लक। खैर कोई बात नहीं, अब मैं इसके ऊपर उबलता हुआ पानी डालूंगी, फिर सीजनिंग डालूंगी और ढक्कन बंद कर दूंगी। और जबकि मेरे नूडल्स पक रहे हैं, सामंथा बस खा भी चुकी है। खैर ऐसा लग रहा है कि यह तैयार है। अब इसे खाने का समय है। अच्छी खुशबू आ रही है और स्वाद भी अच्छा है। अच्छा है। हाँ जेन, तुम्हारी अजीबोगरीब पसंद है। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए सामंथा, नूडल्स वास्तव में स्वादिष्ट है। मैं इसका रस भी पीऊंगी। तो अब मेरा पेट भर गया है। मैं शुरू करूंगी। नहीं, मैं, मेरे पास यहाँ क्या है? वाह सुशी, मुझे सुशी बहुत पसंद है। ईर्ष्या मत करो जेन, मैं ये सारा खा लूंगी। वे स्वादिष्ट है, अपने आप को रोकना असंभव है। मैं उन्हें हर दिन खा सकती हूँ। वाह कितना अच्छा। अच्छा जेन, देखो तुम्हारे पास क्या है। हाँ चलो देखते हैं। क्या ये सुशी के लिए सिर्फ सामग्री है? क्या मुझे इन्हें खुद बनाना होगा? चलो इसे बनाओ। मुझे इस खीरा को काटना चाहिए। ये अच्छा है कि मेरे पास मेरी जापानी तलवार है। कुछ स्ट्रोक और खीरे के स्लाइस तैयार है। सावधान रहो सामंथा, ये बहुत तेज है। तो अब इसमें चावल डालकर इसे रोल में मोड़ने की जरूरत है। देखो और सीखो सामंथा, मैं अपनी खुद की सुशी बना सकती हूँ। और अब मैं इसे खाऊंगी। बिल्कुल, सॉस में डिप किया और अब ये सीधे मुंह में। बहुत स्वादिष्ट, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह। क्या तुम इसे चखना चाहती हो? हाँ। सच में बहुत स्वादिष्ट है, मैंने तुमसे कहा था। चलो फिर से खेलते हैं। 1 2, मजाक कर रही हूँ, मैं सबसे पहले खोलूंगी। हुर्रे, गोल्डन पॉपकॉर्न, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और इसका स्वाद कैसा है? ये और भी अच्छा है। बहुत ही बढ़िया, मुझे धोखा और उसे पॉपकॉर्न। बेहतर होगा देखो कि तुम्हारे पास क्या है। ओ नहीं, मेरे पास सिर्फ मकई के दाने हैं। जेन, क्या तुम मुझे दोगी? ऐसा लगता है कि तुम्हारा पॉपकॉर्न तैयार नहीं हुआ। अब कुछ नहीं कर सकते, मैं इन दानों को खाने की कोशिश करूंगी। चलो, आउच, कितना दर्द हुआ, ये बहुत कड़े हैं। मैंने लगभग अपना दांत तोड़ लिया। हाँ बिल्कुल सही, मेरे पास एक आइडिया है। वह क्या करने जा रही है? हम कर्लिंग आयरन में पॉपकॉर्न बना सकते हैं। वाह, ये वास्तव में हुआ। कितना स्वादिष्ट। मुझे और चाहिए, थोड़ा इंतजार करते हैं।
अरे हाँ, एक नया हिस्सा। तो जेन, देखो मैंने कितना अच्छा किया। अब मेरे पास भी पॉपकॉर्न है। हाँ, ये तो है। क्या मैं पहले कर सकती हूँ प्लीज? हुर्रे! हाँ, ये बहुत बड़ा केक है और सब मेरे लिए है। अब मैं इसे काटने जा रही हूँ। कितना खूबसूरत सुनहरा आइसिंग है। हाँ, अब मैं यह खाने जा रही हूँ। ओह वाह, कितना सुंदर टुकड़ा है। ओह, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, मैं यह सब खाऊंगी। दुनिया का सबसे अच्छा केक। वाह, आ क्या तुम्हें कुछ चाहिए सामंथा? क्या मुझे भी एक टुकड़ा मिल सकता है? नहीं, बेहतर होगा कि तुम अपना देखो कि तुम्हें क्या मिला है। चॉकलेट केक और गमीज। बेशक ये स्वादिष्ट है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से केक नहीं है। खैर ठीक है, मैं अपने लिए केक बनाऊंगी। मैं केक के बीच में चॉकलेट रखूंगी सावधानी से और ऊपर से गमी बेयर से सजाऊंगी। और कितना अच्छा केक है, चलो इसे खाती हूँ। यह भी स्वादिष्ट है। हाँ, वो केक नहीं है, यहाँ मेरा असली केक है। अच्छा तो चलो चलते हैं। हुर्रे, गोल्डन बर्गर। अरे नहीं, मेरे पास यहाँ सिर्फ 3 ब्रेड के स्लाइस हैं और मुझे उनके साथ क्या करना चाहिए? मेरे पास एक आइडिया है। मैं उन्हें एक दूसरे के ऊपर लगा देती हूँ और एक ग्लास की मदद से बीच में काट देती हूँ। हाँ, यह अभी से ही एक सैंडविच जैसा दिख रहा है। हाँ, यह संभव है और अच्छा भी है। मुझे बर्गर बहुत पसंद है और यह सुनहरा भी है। यह बेहद स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा है यह। सामंथा, क्या तुम ब्रेड सैंडविच खा रही हो? खैर, हाँ मैं और क्या कर सकती हूँ, मेरे तो बहुत ही अच्छे थे। अब मैं शुरू करती हूँ। ओह वाव, मेरी फेवरेट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। मैं इसे अभी ट्राई करूंगी। वाव, कितना गुलाबी है। वाव, यह कितना स्वादिष्ट है। यह मेरा फेवरेट फ्लेवर है। वाह, बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत पसंद है। मैं पूरा पैकेट खा लूंगी। बहुत बढ़िया। और तुम्हें क्या मिला है जेन? हाँ बिल्कुल, इसमें क्या है? क्या बस इतना सा? और आइसक्रीम की इस बूंद का मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, मुझे जो मिला है मैं उसी को मजे लेकर खाऊंगी। ओह हाँ, ये कितना स्वादिष्ट है, पर अब इसे और नहीं खा पाएंगे, ये इतनी जल्दी खत्म हो गया। और सामंथा के पास अभी भी पूरी बाल्टी है। तुम क्या चाहती हो? क्या तुम्हें आइसक्रीम चाहिए? ठीक है, खा लो। धन्यवाद। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बेस्ट है। तो पहले दौर में मुझे एक जिंजर ब्रेड मैन चाहिए। आशा है कि आप मुझे खुश करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, प्रोफेसर बॉब बचाव के लिए आए हैं। इतनी डिंग मत मारो प्रोफेसर, मैं कुक सामंथा बचाव के लिए आई हूँ। प्रोफेसर, क्या आप मुझे शहद का एक जार दे सकते हैं? धन्यवाद। इसे सॉस पैन में डालना होगा, फिर थोड़ी चीनी डाले, मक्खन, जाहिर है इसकी भी उतनी ही जरूरत है, और अंडे को तो नहीं भूल सकते हैं, और थोड़ा आटा भी कोई बुरा नहीं होगा। देखिए कि अंडे को कैसे मिलाते हैं। आह, चोट लग गई, लेकिन मैंने किया। मेरे जिंजर ब्रेड को स्वादिष्ट बनाने के लिए मुझे बस सामंथा जैसा कर रही है वैसा दोहराना होगा। बहुत सारे आटे जैसी कोई चीज नहीं होती है, वो तो पक्का है। इस मिश्रण को मिलाने का समय आ गया है। तो मेरा डो भविष्य के जिंजर ब्रेड के लिए तैयार है। अब इसे बेलने की जरूरत है। स्पेशल पेपर के माध्यम से ऐसा करना बेहतर होगा ताकि आटा बेलन से चिपक न जाए। और अब हम भविष्य के जिंजर ब्रेड को आकार दे सकते हैं विशेष मोल्ड की मदद से। यह अच्छे से होगा। बढ़िया, तैयार। अब केवल इन जिंजर ब्रेड कुकीज को बेक करना है। बहुत जल्द मेरी कुकीज तैयार हो जाएगी। अगर पास में कंपास की तरह अद्भुत उपकरण हो तो इन सांचों की जरूरत किसे होगी? ओह ओह, ये बहुत तेज है, लेकिन इसके साथ हम एक पूर्ण सर्कल काट सकते हैं।
और शुक्र है कि इस स्केल का कि इसकी मदद से हम सही रेक्टेंगल को माप सकते हैं। यही विज्ञान का मतलब है। खाना बनाते समय भी ये मदद करता है। अब समय आ गया है मेरे जिंजर ब्रेड को ओवन में डालने का। एमा, तुम क्या कर रही हो बेचारा डो? हेया, इसे लो, यहाँ तुम यह लो। ब्रावो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे डो से छोटे बॉल्स बनाने की जरूरत है ताकि फिर इनमें से प्रत्येक को अलग अलग रंगों में रंगा जा सके। किसी कारण से केवल लाल डाई निकलना नहीं चाह रहा है। यह खून की तरह दिखता है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह सच में ऐसा दिखता है, लेकिन यह ठीक है। अपने चेहरे से पेंट को पोंछना आसान है। मुझे माफ करना, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। अब मुझे अपनी रंगीन बॉल्स को रंगीन सॉसेज में बदलने की जरूरत है। मैं उन्हें एक बड़े सॉसेज में जोड़ दूंगी। उसके बाद मैं पूरी चीज को एक स्पाइरल में घुमाऊंगी। देखो कितना सुंदर है। वाह, क्या एक सुंदर जिंजर ब्रेड निकला। अब केवल इसमें मीठी बॉल्स को छिड़का जाना है और अब मैं ओवन का उपयोग कर सकती हूँ। मेरी जिंजर ब्रेड कुकीज तैयार है। अब मैं अपनी योजना पर काम कर सकती हूँ। मैं जेन के लिए एक असली जिंजर ब्रेड हाउस बनाना चाहती हूँ। मैं गोंद के रूप में स्नो व्हाइट क्रीम का उपयोग करूँगी। देखो, हमारी आँखों के ठीक सामने घर बन रहा है। लेकिन ये इतना ही नहीं है, मैं इसे रंगीन कैंडिड से सजाऊंगी। जरा इसे देखो। जाहिर है अब मेरी बारी है। मैं भी अपने कुछ जिंजर ब्रेड इकट्ठा करूंगा, थोड़ा शुगर ग्लू और मेरी कुकीज एक असली रॉकेट में बदल जाएंगे। ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर और स्वादिष्ट। अरे नहीं, उन्होंने मेरे लिए कोई कैंडी नहीं छोड़ी। उफ़, खैर, हमें सॉसेज को एक M&M से ही सजाना होगा। जेन, हम कर चुके हैं, यह विनर चुनने का समय है। यह मुश्किल काम है, सब बहुत अच्छा लग रहा है, खास करके ये जिंजर ब्रेड हाउस। शायद मैं इसके साथ शुरू करूंगी। बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन रॉकेट बस कुछ ऐसे ही है। प्रोफेसर उसे ओवर एक्सपोज कर दिया है। पता नहीं आयमा ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। यह अलग सा दिखता है। बुरा नहीं है। जिंजर ब्रेड मैन मुझे विनर चुनने में मदद करेगा। और बेशक यह सैमंथा है। उसने अपना बेस्ट दिया। मुबारक हो। धन्यवाद जेन। अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए नूडल्स पकाएं। यह एकदम आसान है। मुझे उम्मीद है कि मैं यह कर सकती हूँ। मुझे नूडल्स बहुत पसंद है। मुझे अभी पता चला कि इसे कैसे पकाना है। सभी विज्ञानों की माँ रसायन विज्ञान इसमें मेरी मदद करेगी। मैं खुद एक असली गमी बनाऊंगा। मैं एक सिरिंज में लिक्विड गमी भर देता हूँ, फिर इस मिश्रण को बर्फ में डुबोने के लिए एक लंबी रबर ट्यूब का उपयोग करता हूँ। मुझे एक लंबा गमी नूडल मिला। लेकिन आप इस सामान को नहीं खा सकते हैं, यह हानिकारक और बेस्वाद है। मैं उबलती गोभी के साथ खाना बनाना शुरू करूंगी। जरूरी बात इसे अच्छी तरह से काटना है। और मेरा आइडिया काम कर गया है। उम्मीद है कि इसे वास्तव में खाना संभव हो। और मैं इन सब झमेले में नहीं पड़ूंगी। मैं बस सामान्य पास्ता को पानी से भर दूंगी और इसे माइक्रोवेव में रख दूंगी और वो वहाँ तैयार हो जाएगा। मैं राइस नूडल्स बनाऊंगी और इस गोभी की वजह से एक सुंदर बैंगनी रंग का बन जाएगा। स्वाद के लिए उस पर नींबू का रस डालना जरूरी है। और इस यमी को इतने प्यारे घोड़े से सजा सकते हैं। देखो कितना अच्छा है। देखो मुझे कितने रंगीन नूडल्स मिले हैं। ये बहुत मजेदार और कूल है। मेरा भविष्य का पास्ता भी लगभग तैयार है। अब केवल इस पास्ता पर चीज पाउडर डालना ही बचा है। चीज पाउडर एकदम बेकार और हानिकारक है, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट है। और वैसे भी यह केवल इतना ही नहीं है, मुझे गुलाबी मैकरोनी भी चाहिए। अच्छी, मैं इसे गुलाबी पाउडर के साथ करूंगी। एमा, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ फिर से? यह मेरे खाना पकाने का नतीजा है। देखो अब मैं साफ सुथरा हूँ। और देखो मेरा पास्ता कितना रंगीन है।
और बहुत अच्छा। और मेरा गमी नूडल्स एक एक्सपेरिमेंटल रासायनिक विधि द्वारा बनाया गया है। जेन, इन सभी नूडल्स को चखने का समय है। दिलचस्प, मुझे गमी बहुत पसंद है। कितना स्वादिष्ट, लाजवाब, बहुत ही अलग सा गमी नूडल्स। चलो देखें कि सामंथा ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। बुरा नहीं है, मुझे राइस नूडल्स भी बहुत पसंद है। पता नहीं एमा ने मेरे लिए किस तरह का रंगीन पास्ता तैयार किया है। स्वादिष्ट, मैं तो समझ नहीं पा रही कि किसका बेस्ट है। शायद प्रोफेसर बॉम ने सबसे अलग नूडल्स बनाया है और सबसे स्वादिष्ट भी, और वो विजेता है। तीसरे दौर में मैं सभी स्वादिष्ट चीजों के बाद कुछ पीना चाहती हूँ। मेरे लिए कॉकटेल तैयार करो। यह किया जाएगा, मैं जेन के लिए एक असली सोडा बनाऊंगा। ध्यान रखना है कि सोडा के साथ इसे ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि तब मेरे लेमोनेड को पीना असंभव होगा। चलो सोडा के ऊपर ऑलिव ऑयल डालने की कोशिश करें, कोई ऐसा क्यों नहीं करता। और आखिरी में हम पूरे मिश्रण को एक सीक्रेट सामग्री के साथ मिलाएंगे। ताड़ाम, पहला कॉकटेल तैयार है। एमा, तुम उसे छूने की हिम्मत मत करो, मैंने इसे जेन के लिए बनाया है। शायद मैं उस तरह की सामग्री के साथ कोई प्रयोग नहीं करूंगी। मैं एक क्लासिक कॉकटेल बनाऊंगी जिसके लिए मुख्य सामग्री स्प्राइट होगा। अब केवल इसे खोलना ही बचा है। ओह, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि एमा फिजिक्स के नियमों को नहीं जानती है। मुझे फिजिक्स के नियमों की जरूरत क्यों है, मेरा कॉकटेल उनके बिना स्वादिष्ट होगा। हालांकि बहुत कम स्प्राइट बचा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं स्प्राइट को कैंडी से भर दूंगी और ऊपर से व्हिप्ड क्रीम से पूरी चीज को सजाऊंगी। मुझे ये पसंद है। वाह, कूल। मुझे गमी दो, मुझे अपने कॉकटेल को सजाने के लिए उनकी जरूरत होगी। जरा देखो मैंने क्या किया है। क्या तुमने कभी इससे बड़ा कॉकटेल देखा है? वाह एमा, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं सबसे ओरिजिनल कॉकटेल बनाने जा रही हूँ, जिसे जेन ने शायद ही कभी चखा हो। वह एक बर्फ की बॉल में होगा। मैंने इसे पहले से तैयार करके रखा है। मैं एक सिरिंज की सहायता से इसमें कोक डालूंगी, फिर मैं आइस बॉल्स को एक ग्लास में डाल दूंगी और अधिक कोला डालूंगी। ये जरूर बहुत अच्छा निकलेगा। और थोड़ा धुंध क्यों नहीं जोड़े? हाँ, इस तरह से। इस तरह के कॉकटेल दुनिया के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में परोसे जाते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा कॉकटेल कहीं और नहीं मिलेगा। देखो ये कितना कूल है। एमा, मुबारक हो, तुम बहुत अच्छा। अरे नहीं, मुझे इस तरह की प्लॉट ट्विस्ट की उम्मीद नहीं थी। ओह, मैंने इसे कितनी मेहनत से बनाया था। कोई बात नहीं, मैं दूसरे कॉकटेल को ट्राई करूंगी। आओ देखें कि प्रोफेसर बॉब ने क्या किया है। क्या इसमें तेल है? घिनौना, हम इसे नहीं पी सकते। क्या बेवकूफी भरा मजाक है। मुझे सामंथा से कुछ अलग की उम्मीद है। चलो चेक कर देखें कि उसने मेरे लिए क्या किया है। साधारण कोला की तरह लगता है, लेकिन यह अद्भुत रूप से स्वादिष्ट है। विजेता स्पष्ट है। सामंथा, तुम्हारी जीत पर बधाई। अब तैयार हो जाओ, यह समय है लहसुन का। मुझे पता है इसकी गंध अच्छी नहीं है। मुझे बहुत सारे मिले हैं, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें ज्यादा मिला है, मेरे पास एक पूरा पहाड़ है। मुझे एक मिला है, लेकिन मैं भी परेशान हूँ। एथन, तुम शुरू करो, तुम बहादुर आदमी हो। मैं क्यों? छी, इसकी महक भयानक है। तो इसका स्वाद कैसा लगा? लगता है बहुत बुरा है। बेचारा एथन, अब बस हो गया। एमा, अब तुम शुरू करो, इसे करना ही पड़ेगा। अच्छा होता कि मैं इसे फेंक देती। नहीं रुको, खाओ, मुझे इस चीज को खाना होगा। छी, यह भयानक है। यही तो मैंने भी कहा था। जूलिया, हम तुम्हारे खाने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे कोई बुला रहा है। बैठ जाओ, झूठ मत बोलो। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब सही है। मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं इसे संभाल लूंगी। ईथन, इतने मतलबी मत बनो। देखो ये कितना मजेदार है। आखिर मैं ये गंदी चीज क्यों खा रही हूँ? तुम्हें पता है यहाँ किस चीज की कमी है? वैम्पायर की। मूर्ख मत बनाओ ईथन, बस थोड़ा सा बाकी है। पूरे लहसुन खाओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, और मैं तुम्हारे बिना भी बीमार पड़ रही हूँ। तुम तुम्हारे रंग की हो गई हो। मैं मर रहा हूँ। आखिर ये तमाशा खत्म हो गया, और ऊपर वाला करे कि हमारे पास कभी लौट कर ना आए। लड़कियों, तुमने वैम्पायर को हरा दिया।
पकौड़ियाँ एक तरफ है और खाना एक तरफ। पैनकेक्स। इथन के पास एक है, एमा के पास उससे ज्यादा, और जूलिया के पास एक पूरा टावर है। मुझे भूख लगी है इसलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। पैनकेक को और अच्छा करने के लिए मैं इस पर क्रीम और M&M डालता हूँ, और यह बहुत स्वादिष्ट निकला। लाजवाब। एमा अब तुम्हारी बारी। ओके। मैं भी अपने पैनकेक को कुछ बेहतर बनाऊंगी। पहले मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, यह बेलन इसमें मेरी मदद करेगी। और अब इसके ऊपर से यह क्रीम डालने का समय। क्रीम का पूरा पहाड़ और उसके ऊपर से मार्शमेलोस और कैंडी भी। यह तो पूरा एक केक ही बन गया, बड़ा और स्वादिष्ट। तुम इसे अपने मुंह में कैसे डालोगी? उसकी चिंता मत करो, मुझे ऐसी स्वादिष्ट चीज खाने की आदत है। मैं भी अपनी पैनकेक को बेलना चाहती हूँ। इथन ये बेलन मुझे दो। हाँ यह लो, इस तरह से और इधर। गिर रहा है सीधा हमारे ऊपर, माफ करना। लो यह लो, पैनकेक लो। और अब मिला है गम। इथन को बहुत ज्यादा मिला है, जूलिया के पास उससे थोड़ा कम है, और एमा को एक से ही संतोष करना पड़ेगा। परेशान मत हो। ओहो, मेरे पास आओ मेरे प्यारे गम। खैर चलो शुरू करते हैं। यह बहुत रसदार है और बहुत सारे हैं। इतना निश्चित कर लो कि यह तुम्हारे मुंह में समा जाए। मेरा मुंह बहुत बड़ा है, मैं कर सकता हूँ। बदमाश कहीं के, मेरे पास भी गम है। अरे जूलिया, मुझे तुमसे कुछ काम है। हाँ बताओ। चलो उसे हिप्नोटाइज करते हैं और फिर हम उसका सब ले लेंगे। हाँ मेरे पास एक विशेष प्रकार का गोला है। अरे इथन, हाँ तुम्हें क्या चाहिए? इधर देखो। हो गया। मैं उसके हाथों को बांध देती हूँ। सारे गम ले लो। क्या छोड़ो, ये मेरे हैं। ये ठीक नहीं कर रही हो। हमने किसी बदमाश को धोखा दिया। उसे वापस करो चोर। तुम अपने चिल्लाने से बोर हो रहे होगे। हमें तुम्हारे मुंह को किसी तरह से बंद करना होगा और उसमें यह गम ठीक से काम करेगा। बहुत बढ़िया आइडिया। 1, 2, 3 और हमारी टेबल पर नींबू ने अपनी जगह बना ली है। हमें पता है कि आप उसे उतना ज्यादा पसंद नहीं करते, पर एमा के पास ये बहुत ज्यादा है, इथन के पास कम, और जूलिया के पास केवल एक है। जूलिया तुम शुरू करो। ठीक है जी। ओफ कितना खट्टा। इथन अब तुम्हारी बारी। ओह ठीक है, यह मेरे लिए भी बहुत खट्टा है, मैं तो रो ही दूंगा। एमा अब तुम्हारी बारी। हाँ आसानी से कर लूंगी। खट्टा पर तुम खा सकते हो। शायद नहीं, यह बहुत खट्टा है, इसे फेंक दो, या फिर इसका जूस हमें बचाएगा। बहुत अच्छा आइडिया जूलिया। यह एक विशेष प्रकार का नल है। इथन मुझे एक ग्लास दो। यह लो, यह सच में अच्छे से काम कर रहा है। एक ग्लास काफी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा यह दूसरा ग्लास भी काफी नहीं होगा, दूसरा दो। यह बहुत बड़ा ग्लास है और यह भी पूरा भर गया। देखो गिराओ मत। यह प्लेट लो, यह मदद नहीं कर रहा है, कुछ और लाना होगा। ओह खट्टा जूस। इथन आगे बढ़ो और कुछ बनाओ। आसान है, हॉट डॉग्स। एमा के पास एक है, जूलिया के पास कुछ ज्यादा, और इथन के पास 100 है। मैं पहला लूंगी, और केचप से कुछ नुकसान नहीं होगा, और मस्टर्ड भी। और मैं, चलो हटो, यह समय है खाने का। यह स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। इथन अब तुम। यह अब स्वादिष्ट होगा। एमा क्या मुझे कुछ सॉस मिल सकता है? हाँ क्यों नहीं, लो। बहुत बढ़िया, मुझे खुद भी पता नहीं कि इतना सारा मैं कैसे खाऊंगा। इथन महान भूखर है, मैं रुक नहीं सकता।
मेरी बारी है। कैसा रहेगा अगर मैं बिल्कुल वहाँ क्या है? अब हम अपने भूखर के साथ कुछ शरारत करेंगे। देखते हैं उसे ये गुब्बारा कैसा लगेगा। इथन, ये तुम्हारे लिए है। ओ, एक और हॉट डॉग। और ये कभी मेरे लिए ज्यादा नहीं होता है। ओ, बूम। कैसा लगा? चुपा चुप च्युइंगम से बेहतर और क्या हो सकता है? मुझे लगता है कुछ भी नहीं। जूलिया के पास बहुत सारे हैं, इथन के पास थोड़े कम और दुर्भाग्य से एमा के पास केवल एक है। ओ, मुझे और चाहिए था। और मेरे लिए काफी है। इतना च्युइंगम तो मैं जिंदगी भर खाऊंगी। बहुत बढ़िया है। एमा देखो। अरे वाह इथन, देखो। वाह, जलन हो रही है। मेरे पास ज्यादा है इसलिए। एक दो स्ट्रोक और सारे गम मेरे मुंह में। ये कितने स्वादिष्ट रसदार हैं। देखो कितने सारे हैं। शेख ही बगाड़ना बंद करो। हालांकि मेरे पास गम है, फिर भी गम गम ही होता है और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भी। और मुझे और चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा सा जादू और देखो कितना बड़ा पैक है। ओ, तुम एक असली जादूगर हो। और अब मेरे पास बहुत सारे गम है। नॉम नॉम नॉम। अरे, तुम्हें मेरा बबल कैसा लगा? ओ, मुझे पकड़ो, मैं उड़ रही हूँ। मैं भी कर सकती हूँ। ओ हाँ, मैं उड़ रही हूँ। एमा, देखो वो उड़ रही है। क्या एमा, और तुम भी? तुम लोग कहाँ जा रही हो?